देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव ऑन अर्ली चाइल्ड हूड एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब हम जो बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव में और इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव में जब हम बात करने जा रहे हैं तो मैं फ़िलहाल इसे चाइना के प्रस्पेक्टिव में सबसे पहले गुफ्तु करना चाहूँगा हम मुख्तलफ मुल्कों की बात करेंगे इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव में लेकिन मैं सबसे पहले जो हमारे पास गुफ्तगु है अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इन परस्पेक्टिव ऑफ द चाइना चाइना के अंदर क्या हुआ किंडर गार्डन द मोस्ट असेसेबल टू द पब्लिक वेन द रिपब्लिक ऑफ द चाइना वॉज फाउंडेड इन 1912 टवेल्व एज द न्यू गवर्नमेंट ऑफ द इनकरेज वोमेन टू जॉइन द वर्क फोर्स अब जब 1912 की बात करते हैं और 1912 के अंदर जो है ना हमारे पास चाइना जो है एक नई गवर्नमेंट जो है सामने आती है उन्होंने क्या किया उन्होंने सबसे पहला काम जो किया उन्होंने किंडर गार्डन में जो वोमेंस हैं उनकी वर्क फोर्स को जो है ना जॉइन करने इंक्रेज किया क्योंकि किया? क्योंकि अकॉर्डिंगली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयरिंग फार एंड एजुकेटिंग यंग पीपल ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द होम टू द किंडर गार्डन अब देखें स्लोली स्लोली हम जो अर्ली एजुकेशन थी वो शिफ्ट हो गई घर से स्कूल की तरफ अब देखें घर में था वो इनफॉर्मल मैं अगर थोड़ा सा पीछे भी जाऊँ ये इंटरनेशनल परस्पेक्टिव है सिर्फ हमारे पाकिस्तान की बात ये डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं हो रही घर में जो बच्चा एजुकेशन हासिल करता था पहले पाँच साल वो इनफॉर्मल थी जब ये कन्वर्ट हो गई किंडरगार्टन के अंदर और फिर किंडरगार्टन कन्वर्ट हो गया इसी के अंदर तो ये पार्ट बन गया फॉर्मल एजुकेशन का अब देखिए वहाँ हमने जो एजुकेशन बच्चे को दी जाती थी किसी भी मुल्क में चाहे वो चाइना की हम इस बार चाइना के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल दी जाती थी इनफॉर्मल स्विच ओवर हो गई फॉर्मल के अंदर वहाँ से किस में आई वो गार्डन के अंदर आई पार्टिकुलरली जो अर्बन एरियाज थे जहाँ पे मेनी टेंडेड टू तो स्पेंड होल डे इन द नर्सरीज एंड द किन्नर गार्डन विद पेरेंट्स वर्क आप देखे किंडर किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट था वो बुनियादी तौर पे ये था कि वो तमाम वालदे जो जॉब्स पर जाते हैं उनके बच्चों की जो नर्सरीज हैं जहां पर वो बच्चों को अपने को छोड़ के जाते हैं वहां पर किंडरगार्टन गार्डन का अर्बन एरियाज के अंदर इसका कंसेप्ट आया लेकिन ये कंसेप्ट प्रमोट हो गया इसी के अंदर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अंदर इसका मतलब है अब ये मैं चाइना की बात कर रहा हूँ चाइना में किंडरगार्टन गार्डन से स्विच ओवर हुआ और वो प्रमोट हुआ इसी के अंदर और ये इसी ही जो है अर्बन एरियाज में तो कामयाब हो गया इन रूरल एंड द डिसएडवांटेज एरियाज पाइनर सच एज देंग्स एंड देंग्स लेड टू इस्टेब्लिश द मोस्ट नीडेड किन्ंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन द फैक्ट्रीज एंड रूरल एरियाज अब वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई थी वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी जाप पर जाते थे ये मुख्तलिफ उनके डिस्ट्रिक्स हैं एरिया हैं जो फैक्ट्री एरियाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ पाई जाती हैं तो इसलिए उसको उन्होंने फ़ोकस किया और उसका नाम उन्होंने लिया तो वहाँ पर फैक्ट्रियों में जाने वाले जो फैमिलीज थी दो मिया भी, भी जो फैमिली जाते थे उनके जो बच्चे थे वो जो नर्सरी में जाते थे और नर्सरी में जहाँ पर उन्हें किंडरगार्टन गार्डन की एजुकेशन दी जाती थी वो अब प्रमोट होके इसी में चले गए जब वो अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के अंदर चले गए तो बहुत से किंडरगार्टन गार्डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ़ द वर्कर्स एंड द फार्मर स्टैबलिश इन रूरल चाइना बहुत सारों को उन्होंने रूरल चाइना के अंदर भी उसको स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और इस तरीके से ए मेजर अकर्ड द द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अब देखिए एक सेटअप चेंज होने से देखिए एक काम हुआ और वो काम क्या हुआ कि उन्होंने वोमेन को वर्क फोर्स में शामिल किया उससे तब्दीली क्या आई कि बच्चे इस नर्सरी में जाने शुरू हो गए नर्सीज कन्वर्ट हुई किन्नर गार्डन में और किन्नर गार्डन जो है वो अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन में कन्वर्ट हो गई तो अब अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन जो है वो एक प्रॉपर सेटअप मार्ज वजूद में आ गए तो ये जब हम चाइना के कंटेस्ट में बात करते हैं तो चाइना में बुनियादी तौर पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो है ना वुमेन वर्क के अंदर शामिल हो गई तो उस वक्त जो है ना हमारे पास अर्ली चाइल्ड हुड वजूद में आ